लीगो पे ले रहे हैं एंड उसको हम रिमांड कर रहे हैं, करने वाले हम लीगो पे ले रहे हैं पुलिस वाले, बिकॉज जो बात उसने किया बहुत गलत किया। देखो किसने भाई बर्बाद कर रहे तो बात सुनो, पूरा सुनो, जो जो सबके साथ वो गलत है, वो सबका प्रॉफिट मोहम्मद है, अब किसी का नहीं है, मेरा भी है आपका भी है। सुभान अल्लाह। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक टी राजा को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल उन पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी देने का आरोप है। हालांकि इससे पहले की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर 72 घंटे में दूसरी बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब टी राजा को गिरफ्तार करने वाले एसपी का बयान वायरल हुआ है, जिसमें एसपी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमारे ईगो की बात है, हम इसे ईगो पर लेंगे, क्योंकि मोहम्मद साहब हमारे भी पैगंबर थे। दोस्तों, इस पूरे केस में किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से इस तरह का बयान आप किस तरह से देखते हैं? क्या टी राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? हालांकि आपका ये भी जानना जरूरी है कि जब एक बार फिर से टी राजा की गिरफ्तारी हुई तो वहां पर एक बार फिर से सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। लीगो पे ले रहे हैं एंड उसको हम रिमांड कर रहे हैं, करने वाले हम लीगो पे ले रहे हैं पुलिस वाले, बिकॉज जो बात उसने किया बहुत गलत किया। देखो किसने भाई बर्बाद कर रहे तो पूरा सुनो, पूरा सुनो, जो जो सबके साथ वो गलत है, वो सबका प्रॉफिट मोहम्मद है, अब किसी का नहीं है, मेरा भी है आपका भी है। सुभान अल्लाह। सबका सबका है, उसको ऐसा बोलना बहुत गलत है, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। कल भी बोला था और मेरा बात सुन के कितने भी लोग कर ला, आज उसको लेके अरेस्ट करके ये जज के ऊपर जज के सामने प्रोड्यूस किया था। भाई बात करने दो, उसके बाद तुम्हारा मौका मिल जाएगा।